नमस्कार, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से हरी मटर की इडली बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये हेल्दी भी होती है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। हरी मटर की इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी हरी मटर ले ली है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। 4 हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, समथिंग 1 मुट्ठी है। इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हरी मटर का पेस्ट हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम 2 कटोरी रवा डालेंगे। मोटा रवा हो या पतला हो वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैंने मोटे रवा का यूज़ किया है। और 1 कटोरी हम दही डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, क्योंकि हरे मटर की जो इडली होती है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे, जिससे रवा जो फूलेगा वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा और इडली बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको समथिंग 10 से 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो गया है और इडली का बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है, इडली बनने के लिए परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच इनो डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है इनो। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम राई डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें उड़द धुली डाल देंगे। 10 से 15 कली पत्तियां जो है करी पत्ते की डाल देंगे। करी पत्ते की लीव्स भी हमारी पक गई हैं। अब तड़का हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इडली बैटर में तड़का लगाते हैं। तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी इडली बनाना शुरू करेंगे। इसे हम इडली सांचे में डालेंगे। इडली सांचे में मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम बैटर डालेंगे इडली का। सभी सांचों में मैंने ऑयल लगा के रख लिया था और सारे सांचे हम इडली से इस तरीके से भर देंगे। सभी इडली सांचे में मैंने भर लिए हैं। अब इन्हें हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम आराम से इडली के सांचे रख देंगे और इसे 2 से 3 सीटी लगा के पका लेंगे। 2 से 3 सीटियां लग चुकी हैं, गैस हमने बंद कर दी है और इडली हमारी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे हम ठंडा करके निकाल लेंगे। इडली हमारी ठंडी हो गई है, जिसे मैंने चाकू से चारों तरफ से निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनी है, कितनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है इडली। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। हरी मटर की इडली की प्लेटिंग मैंने सांभर के साथ कर दी है। आप चाहें तो नारियल की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ कर सकते हैं।
तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।